बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इसके पहले के वीडियो में लघु कथा बता रही थी। लघु कथा का प्रारूप क्या होता है, लघु कथा की क्या विशेषताएं हैं, किसे कहते हैं, कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए या उसके लिखने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ एक चीज़ें मैंने उसमें से बताई हैं आपको, तो इसके पहले के वीडियो में है। आज मैं ये चाह रही हूँ कि लघु कथा लिखते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में आप रख कर चलिए तो आपको आपकी लघु कथा अच्छी होगी। लघु कथा ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपको पुरानी प्रथाओं के अनुसार दी गई जो कहानियाँ हैं वो ऐसी ना हो। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं तो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उसी को दिया जा सकता है और आपको पंचतंत्र से ही मिलती जुलती कहानियों को थोड़ा घुमा फिरा के लिखना होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम कई समय में बराबर सुनते और लिखते चले आते हैं, उनमें पंचतंत्र की कहानियाँ विशेष रूप से हैं। तो लघु कथा मैंने यहाँ लिख दिया है, लघु कथा लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं पे को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए वो मैं अभी यहाँ लिखती चल रही हूँ और फिर आपको समझाऊंगी यहाँ किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है वो है कि प्रत्येक शब्द और पंक्ति का महत्व होना चाहिए। प्रत्येक शब्द और पंक्ति का महत्व होना चाहिए, यानी आपकी कहानी में जो शब्द आए हैं उन शब्दों का वास्तव में अलग महत्व, यानी कि कहानी में प्रत्येक शब्द का प्रयोग उचित स्थान पर उचित भाव ग्रहण के लिए है और उसका महत्व उस पंक्ति में है किस तरह का है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ये भी इसमें जो है, तो प्रत्येक पंक्ति और शब्द का भी अपना एक निश्चित महत्व होता है। और दूसरा पॉइंट है, कम से कम कम से कम शब्दों में घटना, कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन, घटना का वर्णन एवं एवं कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन एवं पहली पंक्ति से ही एवं पहली पंक्ति से ही पहली पंक्ति से ही जिज्ञासा का भाव आ जाना चाहिए। यानी कि कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन हो वो तो आपको समझ है, लेकिन आप अपनी कहानी में, क्योंकि आपकी लघु कथा है, अगर पहली ही पंक्ति से उसमें उत्सुकता नहीं आएगी तो पढ़ने वाला उस कहानी को नहीं पढ़े। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि घटना प्रारंभ में ही आ जाए। अगला है, शीर्षक के इर्द गिर्द घटना का प्रवाह बना रहना चाहिए। तो शीर्षक के इर्द गिर्द घटना का प्रवाह बना रहना चाहिए।
कथा में बहुत सारे पात्र नहीं होने चाहिए। बहुत सारे पात्र होंगे तो कहानी स्पष्ट नहीं होगी और ये नहीं पता लगेगा कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो मुख्य पात्र के साथ एक दो पात्र और, इतने में ही कहानी को पूरा करना चाहिए। फिर उसके बाद कहानी में एक संदेश में संदेश का होना अनिवार्य है। लघु कथा में सामाजिक महत्व, लघु कथा में सामाजिक महत्व निहित होना चाहिए। सीधे सीधे केंद्रित बात कहानी होनी चाहिए। तो बात को एकदम सीधे ढंग से घटना केंद्रित करके, यानी मुख्य घटना को केंद्रित करके कहानी होनी चाहिए। अब कहानी पे किस तरह के प्रश्न आते हैं वो मैं बता दे रही हूँ। तो ये तो आपका हो गया कि लिखते समय आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है, कि वो मुद्दा आपका कहानी जो हो संक्षेप में आकर्षक हो और पढ़ने में रुचिकर हो, भाषा सरल हो, कम पात्रों वाली हो, घटना केंद्रित हो यानी मुख्य केंद्र में ही घटना का वर्णन हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं इसको रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको रब कर दूं। तो संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। लघु कथा में मुख्य रूप से चूंकि बहुत कम शब्दों में कहानी पूरी होनी है, अगर ऐसे में आप कहानी के अतिरिक्त चीजों को विस्तार दे देंगे तो कहानी घटना केंद्रित नहीं हो पाएगी, यानी मुख्य घटना से हट जाएगी, फिर वो लघु कथा होने की जो बातें कही जा रही हैं वो नहीं पूरी होंगी। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह के प्रश्न लघु कथा में पूछे जा सकते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ कि लघु कथा के प्रश्नों का रूप। किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो होता है कि आपको सीधे सीधे शीर्षक दिया हो और आप कहानी लिखी,
को शीर्षक देकर कहानी लिखना। शीर्षक दिया हो और कहानी लिखकर कहा हो। दूसरा है किसी किसी घटना का विवरण देते हुए किसी घटना का विवरण देते हुए उस पर कहानी लिखने को कहा जाए। फिर उसके बाद होता है एक चित्र आपको दिखाया जाए और उसको दिखा के कहानी लिखने को कहा जाए। चित्र देकर कहानी लिखाना। एक चित्र दे दिया फिर उसको आप पढ़ के उसको कहानी में परिवर्तित करें। फिर आपके जीवन में कोई घटना या क्षण जो यादगार कहानी लिखवाना। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए कहानी लेकर ये थोड़ी थोड़ी जगहों को खाली छोड़ दिया गया है। शुरू में दो पंक्ति दो चार शब्द लिख के कुछ जगह खाली, फिर दो चार शब्द लिख के कुछ जगह खाली, और ऐसे डैश वाली जगहों को जोड़ते जाना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते जाना और कहानी लिखते जाना। तो ये भी एक तरीका है कहानी लिखने का। अधूरी कहानी को शीर्षक देना। अधूरी कहानी है उस कहानी को आप पूरा करें और साथ में उस कहानी का एक नामकरण भी करें कि हाँ नामकरण करके बताइए कि कहानी का नाम क्या रखा जाए। तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन शब्द सीमा निर्धारित होती है शब्द सीमा निर्धारित
होने के कारण मुख्य मुख्य बात शुरू से ही होनी चाहिए। तो ये हो गया आपको लघु कथा के प्रश्नों का जो रूप होगा वो मैंने समझा दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं एक कहानी, जैसे जो थोड़ा सा मुझे कठिन समझ, गंगा और मैं। अब गंगा और मैं को आप कहानी में परिवर्तित करना है, तो मैं इस विषय को कहानी के रूप में लिखने चल रही हूँ कि गंगा और मैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करती हूँ। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि अब मैं कहानी का शीर्षक पहले ही दे दे रही हूँ, गंगा और मैं। अब मान लीजिए आपको यही विषय दिया है, अब आपको कहानी लिखनी है और कहानी में जो मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप गंगा के साथ आपका जो जुड़ाव है वो यहाँ पर स्पष्ट हो। तो एक CBSE के प्रश्न पत्र में ये कहानी आई थी, तो मुझे लगा कि यही मैं लिखवा दूं। मेरे पिता जी का स्थानांतरण कहानी लिखने शीर्षक दिए होने पर और कहानी लिखने पर आपको पहले कुछ पॉइंट अपने दिमाग में रख लेना चाहिए कि 3 से 4 कि इस टॉप पॉइंट को ही मैं कहानी में बढ़ाऊंगी तो आपकी कहानी हो जाएगी, अन्यथा आपकी कहानी की शुरुआत अधिक हो जाएगी, मुख्य घटना कम हो जाएगी, तो सब चीजें बराबर मात्रा में नहीं होंगी। तो आप पहले दिमाग में एक पॉइंट टाइप का बना लीजिए कि हमें क्या क्या दिखाना है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण, हरिद्वार हुआ था, अपना कार्यभार संभालने के बाद से ही हम सबको वे हम सबको हरिद्वार आने के लिए कह रहे थे। हम सभी लोग हरिद्वार जाने के लिए
उत्साहित थे। हम सभी लोग हरिद्वार जाने के लिए उत्साहित थे। परंतु मेरा मन मुंबई जैसे महानगर की चकाचौंध छोड़कर परंतु मेरा मन मुंबई जैसी महानगर की चकाचौंध छोड़कर हरिद्वार जाने के लिए राजी न था। हरिद्वार जाने को राजी न था। न चाहते हुए भी मुझे परिवार के साथ वहां पहुंचने के दूसरे दिन सुबह ही माँ ने मुझे उठाते हुए कहा, जल्दी उठो, हम सब गंगा दर्शन के लिए चल रहे हैं। मैं अनमने मन से चुपचाप बिना कुछ बोले साथ हो लिया। मैं अनमने मन से चुपचाप बिना कुछ बोले साथ हो लिया। वहां का दृश्य देखकर मैं अभिभूत हो गया।
मैं अभिभूत हो गया। गंगा माता का स्पर्श कर मुझे एक दैवीय ऊर्जा का एहसास हुआ। मुझे एक दैवीय ऊर्जा का एहसास हुआ। दैवीय ऊर्जा का एहसास हुआ। गंगा का जल माथे पर लगाते ही आंखें श्रद्धा से बंद हो गई तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब बहुत स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। गंगा का जल लगाते ही आंखें स्वतः ही बंद हो गई। मैंने देखा आंखें स्वतः ही बंद हो गई। मैंने देखा कि जैसे साक्षात माता गंगा सामने खड़ी हूँ। माता गंगा सामने खड़ी हूँ। पर कुछ उदास सी दिख रही थी। मैंने कहा, माँ आप इतनी उदास क्यों हैं? गंगा माता ने कहा, गंगा माता ने कहा, एक ओर मुझे माता कहते हो,
हे कौन मुझे माता कहते हो, और उदासी का कारण भी नहीं जानते। मुझे प्रदूषित करके मेरा अपमान भी करते हो। मेरा अपमान भी करते हो माँ, माँ सब कुछ सह सकती है, परंतु बच्चों द्वारा अपमान उससे नहीं सहा जाएगा। गंगा मैया की बातों से मुझे लगा हाँ कुछ साल जब पहले मैं यहाँ आया था तो माँ गंगा माँ बहुत सुंदर और प्रसन्न लग रही थी। तो इतना आप उतारिए, फिर मैं इसको एंड करूं। यही एंड कर देते हैं। प्रसन्न लग रही थी, मैंने मन ही मन माँ के लिए प्रार्थना की कि माँ निर्मल और प्रसन्न रहे। और मैंने कहानी के हिस्से को अब छोड़ दिया। अब इसको एंड में आप ये दिखा सकते हैं कि हाँ, अगर मैंने सोचा मैं कहानी और बढ़ाऊं तो बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यही छोड़ दे रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने लघु कथा को यहीं खत्म कर दिया है और उम्मीद है कि आप चाहें तो इसको एक दो लाइन बढ़ा भी सकते हैं।
एंड को खत्म कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।